माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं अब जॉब कर लेता हूँ करंट। माननीय सभापति महोदय, नागरिकों को न्याय का अधिकार देना हर सरकार का कर्तव्य है और डिफेमेशन के मामले में फीस कोर्ट फीस के कारण लोग इससे परहेज करते थे और वकील भी यहाँ तक ये सलाह देते थे कि यार इतना पैसा लगेगा क्या करना है, उसको क्रिमिनल केस का या दूसरा रास्ता बता देते थे। तो ये जो आपने 25,000 रुपये का प्रस्ताव लाए हैं आप, इसका तो मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन माननीय सभापति महोदय, ये लिमिट 25,000 की आप यहीं तक क्यों रख रहे हैं? अगर धनवाद भी है तो उसमें भी आप एक लिमिट क्यों नहीं लेकर के आते? क्या आप नहीं जानते कि उसमें परसेंटेज पर होने के कारण लोग मुकदमा करने से परहेज करते हैं, अवॉइड करते हैं उसको? इस यहाँ 25,000 लेकर के आए हैं आप, उसमें 1.25 लाख कर दो, 1.5 लाख कर दो, लेकिन जब अगर 1 करोड़ रुपए की का कोई धनवाद है और आप 6-6 लाख रुपए अगर उसमें स्टैम्प ड्यूटी मांगेंगे, क्या नतीजा आएगा? नहीं आएगा, तो लोग डिस्करेज होते हैं और जो वास्तविक फरियादी होता है वो भी पीछे हट जाता है। अब माननीय सभापति महोदय, एक जो चिंता प्रकट की गई सदन में मेरे से पूर्व वक्ताओं के द्वारा, क्या आपने इतना कम पैसा कर दिया है अब ये लोग बहुत मोटिवेट होंगे और मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी, तो इसका भी आप जाप्ता कर सकते हैं माननीय मंत्री जी। अब अगर मजिस्ट्रेट पर आप छोड़ देंगे, मुकदमा अगर फर्जी साबित हुआ, क्या कॉस्ट लगाएगा मजिस्ट्रेट? कॉस्ट लगा देगा 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, तो इसका बंदोबस्त नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको वापस ले जाओ और इसमें यह प्रावधान करके लाओ कि अगर सिर्फ परेशान करने के लिए ये डिफेमेशन के सूट का सहारा लिया गया, ये फर्जी पाया गया, तो मजिस्ट्रेट को ये पावर होगी कि वो 50,000 रुपये तक, 1,00,000 रुपये तक उस फर्जी फरियादी पर कॉस्ट लगाए। माननीय सभापति महोदय, लॉ कमीशन ने खुद ने कहा है अपने रिकमेंडेशन में कि सरकार को कोर्ट फीस को अपनी आय का साधन नहीं मानना चाहिए। अब सरकार ये सोचने लग जाती है कि हमारी इनकम कम हो जाएगी। अरे जस्टिस देना आपका काम है, अगर किन्हीं कारणों से लोग जस्टिस प्राप्त करने के लिए कोर्ट की दस्तक नहीं दे रहे हैं तो सरकार को आगे आना चाहिए कि हम अपने नागरिकों की इन परेशानियों को खत्म करते हैं, कम करते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि धनवाद के मामलों में भी आप इसी तरीके से अपना लिबरल रुख रखते हुए आप प्रस्ताव लेकर के आइए, उसमें भले ही आप 1.25 लाख कर दो, 1.5 लाख कर दो, जिससे लोग जो है मुकदमे करें और न्याय प्राप्त करें। और आपने जो ये एक अवसर दिया है मानहानि के संबंध में फीस कम करके, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इसके अंदर जो आशंकाएं प्रकट की है आपसे विनती करूंगा कि आप इसका समाधान करें। और मैंने जो अपना जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है माननीय सभापति महोदय, मैं वासुदेव देवनानी। माननीय सभापति महोदय, इस राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम 1961